नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बात करेंगे 4 फरवरी 2022 के राशिफल की। शुरुआत करते हैं सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 7:06 पर, सूर्यास्त होगा 6 शाम को लगभग। तिथि है चतुर्थी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है शिव, वार है शुक्रवार, पक्ष है शुक्ल पक्ष, चंद्र राशि कुंभ रहेगी 10 तक, फिर मीन। अभिजीत मुहूर्त 12:11 PM से लेकर 12:55 PM तक और राहु काल 11:12 AM से लेकर 12:33 PM तक। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। ये आपके शहर के अनुसार, देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 4 फरवरी को आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं कुछ विशेष। हर इंसान, आप हो चाहे मैं हूं, अपनी जन्म कुंडली को जानना आपको चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आप पैदा हुए हैं तो आप किन प्रकार के ग्रहों के प्रभाव में पैदा हुए हैं, आपकी राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, आपकी लग्न क्या है, आपके ग्रह, कौन से खाने में बैठे हैं, कौन सा उच्च का ग्रह है, कौन सा नीच का ग्रह है, कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा ग्रह मार्गी है, कौन सा ग्रह मित्र ग्रह के साथ बैठा है, कौन सा ग्रह शुभ योग बना रहा है, कौन से ग्रह अशुभ योग बना रहे हैं, दशाएं क्या चल रही है, और उसके साथ साथ नक्षत्र क्या है, किस दिन पैदा हुए, उस दिन वो दिन कैसा था, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। और कौन से कुंडली में शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और अक्सर हम कहीं छोटी मोटी दुकान से अपनी जन्म कुंडली निकलवा लेते हैं, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जहां पर ऐसे ही गणनाएं सही नहीं आती हैं, अधिकतर देखा गया है। तो मैं आप लोगों के लिए आपकी 2022 और 2023 की कुंडली लेकर आया हूं। मात्र 799 रुपये इसकी कीमत है, L100 इसका कोड है। इसमें दो सालों की 2022 और 2023 की पूरी प्रिडिक्शन होगी, ये साल कैसा जाएगा, आने वाला साल कैसा होगा, क्या उपाय करने होंगे आपको, वो सब हम बताएंगे। और आपकी जो जन्म कुंडली है वो तो आपकी पूरे जिंदगी भर चलेगी, और साल 2022 के उपाय भी होंगे और 2023 के उपाय भी होंगे, यानी दो साल आपके कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं, इन सबकी जानकारी होगी। और बाकी सब कुछ होगा इसमें, आपके प्रेम संबंध, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, तो ये सारी जानकारियां आपको मिल सकती है मात्र 799 रुपये में। अगर आप चाहते हैं तो L100 लिखें, L100 ये इसका कोड है, कीमत है 799 रुपये। और ये आपको PDF के द्वारा आपकी ईमेल आईडी पर या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाएगी। और आपको अपना नाम, अपना जन्म तारीख, जन्म का समय और किस जगह पर पैदा हुए थे वो भेजना होगा। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखा भी बनवा सकते हैं, हस्तरेखा कुंडली भी, तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर भेजेंगे, तब भी हम आपको आपकी कुंडली बना देंगे। तो ऑर्डर करें L100 लिखकर और 799 में, यानी 800 रुपये में पाएं दो साल की भविष्य फल के साथ, उपायों के साथ कुंडली और बहुत सारी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी हैं। तो आप चाहें तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं L100 लिखकर। बात करते हैं मेष राशि की। आपका व्यय आपकी आय से अधिक होगा, व्यर्थ के धन खर्च से आपको बचना होगा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, आपके छोटे भाई बहन आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, स्वयं पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अन्यथा आपके घर का वातावरण प्रभावित रहेगा। आज का दिन स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, धन निवेश सोच समझ कर करें। आज आप किसी जरूरी काम को करने की सोच रहे तो पूरा हो जाएगा, कुछ नया करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, तनाव खत्म हो सकता है और आपके कार्य की जो गति है वो दोपहर के बाद बढ़ती हुई नजर आएगी, वाहन का सुख मिलने का दिन है, संपर्क आपके बढ़िया बनेंगे लोगों के साथ, आपके परिवार में सुख शांति का माहौल दोपहर के बाद होगा, नौकरी में आपको कोई अच्छी नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं तो सब कुछ ठीक रहेगा, तो भविष्य में तरक्की भी मिल जाएगी। आज व्यापारिक निर्णय सोच समझ कर लें तो ही आपको फायदा होगा, भाइयों से कुछ सलाह ले सकते हैं और यह सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी से प्यार मोहब्बत से बात करें और अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। बात करेंगे वृषभ राशि की। आज आय और व्यय समान रहेगा, आप अपनी आय से अधिक धन खर्च ना करिए,
आय को बचा के रखिए, व्यापार में पूरा मन लगाइए, प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सुधार होगा, आपकी कोई लंबी यात्रा रद्द हो सकती है, आप विद्यार्थी हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन से या अपने सीनियर जो आपके वो हैं दोस्त यार उनसे आपको पढ़ाई लिखाई में मदद मिल सकती है, टीचर का सपोर्ट मिल सकता है, घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो स्थगित कर दें, भाग्य का पूरा साथ तो आपको मिल ही रहा है, दिन फायदेमंद साबित होगा, मन लगाकर काम करिएगा और जमीन वगैरह के जो काम है या खरीदारी के काम है, किराए पे देना है लेना है, नए घर की जो खोज है, आज के दिन टाल दीजिएगा आप। आज आप कुछ जरूरी चीजें जो बैंक से संबंधित होती है उनको संभाल के रखिएगा, अपने साथ रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो उनसे अच्छी बातचीत आज हो जाएगी, मिलने का मौका भी मिल सकता है। मिथुन राशि की बात करेंगे, आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पा लेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जिनसे आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप अगर अध्ययन करते हैं विद्यार्थी हैं तो आपका दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी, आप अपने जीवन साथी के नाम पर संपत्ति या जीवन साथी की तरक्की पाकर खुश हो सकते हैं, आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे और रोमांटिक रहेंगे, जीवन साथी का संग और आनंद भी आपको प्राप्त होगा, चिंता विकार जो है उनसे दूर रहिएगा, फालतू की गपशप से दूर रहिएगा, आपकी फालतू की बयानबाजी आपके परिवार में कलह करा सकती है, और ना ज्यादा बोलिए ना ज्यादा किसी के पीछे पड़िए, आज अच्छी चीजों को समझने की जरूरत है, समझदारी से आगे बढ़िए, खूब अच्छा दिन है आपके लिए, प्रोत्साहित रहेंगे आप, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, अपने अच्छे गुणों को दुनिया को दिखाइए, बुरे गुणों को छुपाइए, छोटे भाई बहन से आज आपके तालमेल अच्छे रहेंगे, आज किसी ऐसे इंसान से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जिसको आप मिलकर भूल ना पाए। हम बात करेंगे कर्क राशि की, तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, आप अपनी उम्मीद से अधिक धन कमा सकते हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जीवन साथी से संबंध बिगड़ सकते हैं इसलिए सावधानी रखिएगा और जीवन साथी से प्यार से बात करिएगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, संतान की तरक्की से दिल खुश होगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा, मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी, पद प्रतिष्ठा मिलने वाला दिन रहेगा, मान सम्मान आपको कार्य क्षेत्र में मिल जाएगा और किसी अच्छे दोस्त यार से या किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात भी हो जाएगी, रोमांटिक जीवन अगर आप बिताना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर अपने जीवन साथी से बातचीत करिएगा, छोटी मोटी बातों पर अपना गुस्सा मत दिखाइएगा, जबान को गंदी मत करिएगा वरना नुकसान होगा पारिवारिक रिश्तों में और कार्य क्षेत्र में भी, मानसिक रूप से आप आनंदित रहेंगे, किसी भी कार्य की शुरुआत में परेशानी आ सकती है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाइएगा और कुछ पुराने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ सकती है। सिंह राशि की बात करेंगे, वाहन चलाते समय सड़क पर चलते हुए सावधानी रखें, आज का दिन धन का निवेश करने के लिए शुभ नहीं है, जीवन साथी से तालमेल बनाकर रखें, कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना होगा, किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है, प्रेम संबंध में आज का दिन सामान्य रहेगा, आज का दिन सामान्य है, आपके सामने कोई चुनौतियां भी आ सकती है और उन चुनौतियों को आप डटकर सामना करेंगे और डटकर मुकाबला करने की वजह से काफी हद तक सफल भी हो जाएंगे, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस हो सकती है, करियर संबंधी चुनाव में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप सही जो आपका करियर है उसको सही से देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो गलती भी कर सकते हैं, सेहत के प्रति आपको सतर्क रहना होगा और बाहर का जो जंक फूड है पिज्जा बर्गर और बाकी जो चीजें होती हैं उन सबको खाने से बचिएगा वरना पेट में गड़बड़ हो सकती है। बात करेंगे कन्या राशि की, आज का दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है, आपको निश्चित रूप से अनेक लाभ और सहयोग प्राप्त होंगे, थोड़ा रोमांटिक मूड में रहेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अनुकूल है, व्यापारियों को नए साझेदार के मिलने से उन्नति प्राप्त हो सकती है, जमा पूंजी बढ़ाने के लिए दिन बढ़िया है परंतु शेयर मार्केट में निवेश मत करिएगा, स्वास्थ्य अच्छा और सामान्य रहेगा, खाने पीने के मामले में सावधानी रखें, रोजाना नियमित व्यायाम करते रहें, किसी महिला को न सताएं और महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखें और अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना होगा, थोड़ी सावधानी रखनी होगी अपनी माता जी को लेकर और आमदनी के नए रास्ते भी आज खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, आज बच्चों से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी, आपके संबंध जीवन साथी के साथ रोमांटिक बने रहेंगे, बहुत बढ़िया लाभ होगा, यात्रा का लाभ भी होगा और जरूरी कागजात और जरूरी चीजें हमेशा अपने साथ रखिए नहीं तो
पछताना पड़ सकता है और जीवन साथी के सहयोग से कोई बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। तुला राशि की बात करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, विद्या में सफलता प्राप्त होगी, छात्र छात्राओं के लिए दिन बढ़िया है, नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य बढ़िया तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता उत्साह बना रहेगा, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का मन बन सकता है और वहां पर खूब इंजॉय भी करेंगे। व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर भी जाना अचानक से तय हो सकता है। खिलाड़ी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और खिलाड़ी लोगों का प्रदर्शन बहुत ही उच्च स्तर का रहने वाला है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और खूब तरक्की करते चले जाएंगे। आज को का दिन जो है वो मेहनत करने का है, मेहनत से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, कोई अच्छी खबर भी मिलेगी, कुछ और भी सफलताएं मिलेंगी, आमदनी के योग बनेंगे, निवेश करेंगे और बचत भी करेंगे पैसों की और लंबे समय तक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पर निवेश करके बहुत बढ़िया आप आने वाले टाइम में मुनाफा कमाएंगे। और एक अच्छा दिन बीता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खूब प्रयास करेगा और काफी हद तक सफल भी रहेगा। आपको आज आराम से बैठने का मौका नहीं मिलेगा, आप खुद भी चलते रहेंगे और अपने साथ जो लोग हैं उनको भी काम में चलाते रहेंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, आज विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्य का रहेगा, व्यापारी लोग अपने व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका चंचल स्वभाव आपके लिए थोड़ी परेशानी दे सकता है, सोच समझ कर बात करिएगा, बेहतर यही होगा कि बड़ों की राय लेकर ही किसी काम को करें, वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दिन शुभ है, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे और अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, आपके बॉस आपसे नाराज थे तो अब वो नाराजगी दूर होगी और आप अपने बेहतर काम से उनका दिल जीत लेंगे। धनु राशि की बात करेंगे तो आज के लिए आपका दिन तनाव और समस्याओं से भरा हुआ दिन रहेगा और कई समस्याओं का अंत भी आज हो जाएगा, आप नौकरी करते हैं तो भी आपकी समस्याओं का अंत होगा, आज का दिन आप अपने परिवार के साथ मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भी जाना हो सकता है, माता पिता के आशीर्वाद से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अपने परिवार में जो भी महिलाएं हैं उनका पूरा सम्मान करिएगा, माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा, माता जी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति भी हो सकती है, जमा पूंजी बढ़ने का दिन है, आज का दिन उत्तम है, बेहतर जिंदगी होगी, सेहत बढ़िया होगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, आज आप अच्छा पैसा बना पाएंगे, पारंपरिक तौर पर आप आगे बढ़ते रहेंगे, बच्चों के लिए अच्छी योजना बनाएंगे, आप अचानक से सभी से प्यार करने लगेंगे, खूबसूरत दिन को बिताएंगे, जब आपके दिमाग की समस्याओं का अंत हो जाएगा पूर्ण रूप से तो आप सभी से के साथ घुल मिलकर एक अच्छा वक्त बिताएंगे, शौक पूरे करेंगे और शरीर में ताजगी होगी और किसी भी बंधन को आप स्वीकार नहीं करेंगे, बस खुले मन और खुले दिमाग के साथ खुले आसमान में उड़ते चले जाएंगे और सफल होते चले जाएंगे। हम बात करेंगे मकर राशि की, आज आप थकान और आलस के शिकार होंगे, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके द्वारा लिया गया हर एक निर्णय आपसे कठिन मेहनत करवा सकता है, आपको धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी से संबंध मधुर बने रहेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहेंगे, आज आप अपने व्यवसाय में कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपको कारोबार बढ़ेगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, व्यापार में काम धंधे बढ़ते हुए देखेंगे आप, घरेलू जीवन में अशांति का वातावरण देखने को मिल सकता है, बेहतर प्रयासों से सफलता मिलेगी, आपके परिवार में सुख आएगा, आमदनी वृद्धि की संभावना है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार सभी के साथ अच्छा रहेगा, किसी दुर्घटना से बचने के लिए आज वाहन वगैरह ठीक प्रकार से चलाएं, कारोबारी किसी को दिखाने के लिए काम ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें और अपने काम को सही तरीके से समझें और सही तरीके से समझाएं तो बहुत लाभ होता चला जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा है कम दामों में लेकिन ओरिजिनल है, प्राण प्रतिष्ठित है, L50 क्या है, लाजवर्त और डायमंड का एक पैकेज है, ये दोनों रत्न आपको पैसा प्यार सुरक्षा सब कुछ देंगे, जिनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, जिनके घर में अशांति है, जिनके घर में तंत्र मंत्र है, भूत प्रेत बाधा का तनाव है, जिनके ऊपर नजर लगी हुई है, जिनके शत्रु उन्हें बहुत परेशान करते हैं, जो पनप नहीं पा रहे, मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है, जिन लोगों के टेंशन बहुत है, जिनके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं और अब क्या करें, इन परेशानियों का अंत नहीं है, जो दिमाग से कमजोर है, जिनकी बुद्धि खराब हो गई, जो बीमार है, जो डिप्रेशन में है, जो नकारात्मक बातें करते हैं,
जो गरीब हैं उनके लिए ये रत्न है, आपकी गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए ये रत्न आ रहे हैं। L50 कोड है, लाजवर्द प्लस डायमंड दोनों रत्न आपको दिए जाएंगे, और ये दोनों रत्न जो है 5-5 कैरेट के होंगे, 5 कैरेट प्लस होगा, और ये दोनों रत्न आप धारण कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, और इनकी कीमत होगी 799 रुपीज, 799 रुपए में ये दोनों रत्न दिए जाएंगे, और इनका जो वजन है वो होगा आपका 5-5 कैरेट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और साथ में आपको इसके लिए पोस्टल चार्जेस देने होंगे, तो टोटल कीमत हो जाएगी 899, यानी 899 में दोनों रत्न आपको प्राप्त हो जाएंगे 5-5 कैरेट के, और आप जीवन में खुशियां ही पालेंगे और शनि राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पालेंगे। और ऑर्डर करने के लिए आपको L50 लिखना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आज का जो दिन है वो जोश और हिम्मत से भरा हुआ होगा, कुछ ऐसे असाधारण कार्यों में आप हाथ डालेंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे, छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, यदि आप एक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दें, आप अपने जीवन साथी से किसी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, आज आपके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन साथी से तनाव बना रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा लेकिन फैमिली लाइफ कमजोर रहेगी, साइंस से जुड़े हुए बच्चों को कुछ अच्छी नौकरी वगैरह मिलने की संभावना है, या फिर जो लोग बायोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है, आपके पार्टनर से आपकी तू-तू में हो सकती है, आज जो लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ खुशियों का माहौल बनाएंगे और बहुत बढ़िया वक्त बिताएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा, शत्रुता दूर होती रहेगी और कष्ट भी कम होते रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन हिम्मत वाला दिन होगा, जोश वाला दिन होगा, और शत्रु से लड़कर जीतने का दिन होगा, तो बहुत ही बढ़िया दिन है, संघर्ष हो सकता है लेकिन जीत आपकी अंत में जरूर होगी। कुंभ राशि वाले अपने पार्टनर से बिल्कुल भी विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे की बात को समझें, और अनावश्यक बाहर घूमने से बचिएगा, जब जरूरी हो तो घूमने फिरने जाइए या कोई भी काम करने चाहिए, जो काम घर में रह के हो सकते हैं उनको घर पर निपटाने की कोशिश करें, प्रेम संबंध में भी आज का दिन ठीक है लेकिन बाहर मिलने की बजाय फोन पर ही या किसी भी तरीके से अच्छी बातचीत करके अपने दिन को बिताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बच्चे पढ़ाई लिखाई में ठीक रहेंगे, दिन अच्छा है, थोड़ी सावधानी से और अच्छा बनाया जा सकता है। बात करेंगे मीन राशि की, आज एक सप्ताह का बढ़िया दिन बिताने वाले हैं, समाज में मान सम्मान मिलेगा, व्यापारियों को निश्चित रूप से अनेक लाभ होंगे, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिन शुभ है, आप आत्मनिर्भर होंगे, प्रसन्नतादायक रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ के लिए जाएं तो और बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत बढ़िया है, आपकी खुश मिजाजी आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा देगी, वक्त पर सभी काम हो जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि दोस्त यारों का स्वभाव बहुत अच्छा है, उनके साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा, जीवन में नई आशा की किरण दिखाई पड़ेगी, और यात्रा या घूमने फिरने के मामले में दिन आनंददायक सिद्ध होगा, और शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए भी दिन ठीक रहेगा, और दूसरों की खूबसूरत भावनाओं को समझ पाएंगे और दूसरों के लिए आज आप कुछ अच्छा जरूर करेंगे। तो हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, आपके काम बनते चले जाएंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब बात करते हैं L100 की। L100 क्या है? L100 कुंडली का पूरा पैकेज है 2022 और 2023 के पूरे प्रिडिक्शन के साथ में है, उपायों के साथ में है कि कैसा बीतेगा वक्त, क्या क्या उपाय करने हैं, आपकी राशि क्या है, लग्न क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, ये सारी जानकारियां हमने इसमें दी है, आपको सिर्फ ऑर्डर करना है दिए गए नंबरों पर L100 लिखकर, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली 2022 और 23 की पा सकें और 22 और 23 को मजबूत बना सकें, फिर उसके आगे की जो वक्त आएगा उसके बारे में भी आप जान जाएंगे कि कैसा वक्त रहेगा। तो सब कुछ है इसमें, कुंडली जीवन का वो आईना है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, तो कुंडली होना बहुत जरूरी है, और ऐसी कुंडली जिसमें उपाय भी हो और आने वाले 2 सालों के पूरा प्रिडिक्शन हो, कैसे इन 2 सालों को बेहतर बनाया जा सकता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अभी L100 लिखिए, 799 में अपनी कुंडली PDF के रूप में या ईमेल में प्राप्त करिए, और जीवन में खुशियां ही खुशियां पाते चले जाइए। और अगर आपको L50 लेना है, लाजवर्द और डायमंड का पूरा पैकेज, तो भी आप L50 लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाजवर्द का रत्न 5 कैरेट का और डायमंड 5 कैरेट का भी आपको दिया जाएगा, और आप चाहते हैं कि L100 और L50 दोनों लिए जाएं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, इसके लिए आप फोन कर सकते हैं। नमस्कार।